हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। मैं शुभश्री आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक स्वीट डिश जो कि है बनाना मालपुआ। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत जूसी होता है। तो मेरी इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। पहले हम मालपुआ का बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक पका हुआ बनाना ले रही हूँ। यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर यूज़ कर रही हूँ। इसका अभी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे जिसको कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले रही हूँ, उसमें डाल दूंगी मैदा। मैदा 250 ग्राम, 60 ग्राम के करीब सूजी। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, आप अपने हिसाब से सॉल्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा सौंफ, चॉप्ड आलमंड, चॉप्ड काजू और यहाँ पे थोड़ा सा मूंगफली के दाने। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें बनाना और शुगर का जो हमने पेस्ट बनाया था। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क मिलाती जाऊंगी। इस टोटल प्रोसेस में मैंने 250 ml के करीब मिल्क यूज़ किया है। आप चाहे तो इसका जितना आपको ज़रूरत हो, मतलब जितना कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ उस हिसाब से आप मिल्क इसमें ऐड करते रह जाइए। अब इसको हम कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम शुगर सिरप बना लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, उसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम के करीब शुगर। जैसे कि इसमें एक उबाल आ जाए इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। हमें यहाँ पे एक तार वाली या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस नॉर्मल सी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। अभी मैं बैटर में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा फूड कलर। आपको अगर फूड कलर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने से इसमें अच्छा लुक आता है। अब हम मालपुआ फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, इसमें मैं धीरे धीरे करके बैटर ऐड करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी रनी होने के कारण मैं इसको बस यहाँ पे डालते जा रही हूँ और ये अपने आप ही अपना शेप ले रहा है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लीजिए या फिर इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको सेकना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैं इसको अभी ऑयल से निकाल लूँगी और इसको शुगर सिरप में डाल दूँगी। अभी सेम प्रोसेस में मैं बाकी मालपुओं को भी तैयार कर लूंगी। मैंने यहाँ पे सारे मालपुआ रेडी कर लिया है तो अभी इसको शुगर सिरप में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना जूसी दिख रहा है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। रेसिपी देख के आपको पता चल गया होगा कि ये बनाना कितना इजी है और कितनी जल्दी भी बन गया है। तो मेरी इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने घर पे भी आप मालपुआ एक बार जरूर ट्राई कीजिए। हमारे सुपर टेस्टी एंड जूसी मालपुआ बनके तैयार है। मैं इसको थोड़े से पिस्ताचू के साथ गार्निश कर रही हूँ। मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप किसी भी फेस्टिव सीजन में मालपुआ बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।